ललितपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल घटना थाना जखौरा के ग्राम करारी गांव की है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। नाबाद सिंह नामक व्यक्ति ने शनिवार रात शराब के नशे में अपने ही पिता धन सिंह को चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात बेटे और पिता में पैसे के लेन देन को लेकर कहासुनी हुई। बेटे ने आक्रोश में आकर पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वही जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आप भी देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक। सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना जखौरा के ग्राम करारी में पुत्र ने अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी है। मौका मारना लिया गया। तो जानकारी प्राप्त हुई कि पुत्र नाबालिग सिंह यादव शराब के नशे में था और नशे की दशा में ही उसने अपने पिता को चाकू मार दिया, जिसे हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामले में अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर लेकर के मुकदमा लिखा जाएगा और अभी रामायण सिंह यादव को सिंह जेल भेजा है। मामले में कोई लॉ ऑर्डर की समस्या नहीं है, मौके पर शांत व्यवस्था कायम है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।